हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए मैं आप सबको भिंडी की सब्जी बनाने की तरीका, सरल तरीका बताती हूँ। तो चलिए किचन की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग को भिंडी को धो लेना है दोस्तों, और धोने के बाद तो उसको कटाई करना है भिंडी की दोस्तों। तो भिंडी को अभी बहुत सारा बचा है दोस्तों, तो उसको अभी काटने के लिए हम लोग को 5 और 10 मिनट लग सकता है दोस्तों। तो तब तक लिए हम लोग काट लेते हैं। लगभग दोस्तों हम लोग थोड़ा सा काट चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा पर देखते हैं कि हमारा खाना बन रहा है। तब तक हम लोग फिर से जितना बचा है हमारा भिंडी उतने को काट लेते हैं दोस्तों। तो चलो काट लेते हैं। लगभग दोस्तों हमारा भिंडी की कटाई हो चुकी है फिलहाल, और हम लोग जितने भी भिंडी की जो भी पड़ा हुआ है दोस्तों उसको उठा उठा कर कहीं पर फेंक देते हैं। उसके बाद ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक में खाना भी बन चुका है फिलहाल। इसके बाद ही हम लोग भिंडी की सब्जी बनाने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग रसोई का साफ सुथरा कर लेते हैं दोस्तों। फिलहाल देखिए जितना भी गंदा पड़ा हुआ है उसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग को फिलहाल दिखाते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा खाना की तरफ चलते हैं। तो खाना की तरफ हमारा खाना भी बन चुका है फिलहाल, तो इसको हम निकाल चुके हैं। देखिए खाना बन चुका है। तो फिलहाल हम लोग अब लगा चुके हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम तेल भी दे चुके हैं, गर्म भी हो चुका है, और फिलहाल हम लोग सरसों भी दे चुके हैं दोस्तों। कुछ 5-5 मिनट लगा है दोस्तों इसमें, और उसके बाद ही थोड़ा सा लगेगा इसमें लेट, और उसके बाद ही आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें और क्या डालते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग मिर्ची भी डाल चुके हैं, और भी हम कुछ डालने के लिए बचा है दोस्तों। फिलहाल आप लोग देखते रहिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग भिंडी को पूरा लगा चुके हैं, और उसके बाद है दोस्तों हम लोग चम्मच में इधरी उधरी कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारा जो भी तेल है और भी कुछ चीज़ डालें हम लोग तो सब मिक्स हो जाए दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग इस भिंडी को पकने देते हैं दोस्तों। अभी भी थोड़ा सा पकना बाकी है दोस्तों, तो हम लोग फिर से थोड़ा सा पका लेते हैं दोस्तों। भिंडी थोड़ा सा पक चुका है, और अभी हम लोग नमक दे देंगे, और उसके बाद ही हल्दी भी दे देंगे, और उसके बाद ही और भी टेस्टी इस भिंडी का बढ़ जाएगा। और फिर से हम लोग इसको पका लेते हैं थोड़ा सा जो भी बचा है दोस्तों, और इसमें से तेल थोड़ा सा नहीं दिए थे दोस्तों, तो तेल थोड़ा सा दे देते हैं। उसके बाद ही और भी ज़बरदस्त लगेगा। आप कहीं भी जाओगे तो ये कहीं भी रहोगे, बाहर में कहीं भी रहोगे तो ये बड़ी आसानी से इसको बना सकते हो इस सब्ज़ी को। और उसके बाद ही हम लोग कुछ टमाटर भी दे देंगे दोस्तों, तो टमाटर में और भी ज़बरदस्त लगेगा। थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद इसमें और भी दे देंगे तो और भी ये सब्ज़ी में बेहतरीन खाने में और भी मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखिए तो फिलहाल हम लोग दे देते हैं, और भी बहुत ही टेस्टी बढ़ जाएगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है दोस्तों। भिंडी को और थोड़ा सा पकने देते हैं इसमें ढकने से, और थोड़ा सा जल्दी पक जाता है दोस्तों। तो फिलहाल देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोग को पकने में। तो फिलहाल इधर ही बाहरी वारी का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इधर ही थोड़ा सा जो भी काम बचा है थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। फिलहाल देखिए थोड़ा सा और भी इसको घाँट लेते हैं, क्योंकि वो घाँटने से और भी अच्छा लगेगा, सब तरफ मिक्स हो जाएगा दोस्तों, तो और भी अच्छा लगेगा हम लोग को खाने में। ये देखिए थोड़ा सा पूरा बचा है दोस्तों। तो अब हमारा सब्जी थोड़ा सा हो चुका है फिलहाल दोस्तों। तो देखते हैं थोड़ा सा और कितना लेट आएगा हम लोग को। लगभग आप लोग को बनाने में दोस्तों आधा एक घंटा लग जाएगा इसमें। फिलहाल तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा में बनाए हैं, तो ये देख लीजिए दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग को आधा घंटा लगा है फिलहाल, और कुछ में बनाओगे तो आप लोग को और भी लग जाएगा। तो फिलहाल हमारा अभी थोड़ा सा पकना बाकी है दोस्तों। दोस्तों तो हमारा सब्जी तो थोड़ा सा पक चुका है, लेकिन हम इसमें पानी नहीं डालेंगे दोस्तों। पानी वाला हम सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, तो फिलहाल इसे सूखा ही बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि
हम लोग फिर भी दूसरे सब्जी बनाए हैं तो उसमें मिक्स करके हम लोग खाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा पक चुका है और फिलहाल हम लोग पानी देने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सा हम लोग लगेगा थोड़ा सा और सुखाने के लिए हम लोग को। ये देखिए थोड़ा सा बचा है दोस्तों, फिर हो जाएगा। और इसमें क्या क्या डाले हैं आप लोगों को तो पता चल गया होगा दोस्तों। तो आप लोग कहीं भी बाहर में जाओगे तो ये सब्जी बड़ी आसानी से आप लोग को बना लोगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बहुत ही मज़ा आएगा खाने में दोस्तों। देखिए थोड़ा सा बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, फिलहाल देख लीजिए आप लोग, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखते हैं थोड़ा सा और कितना टाइम लेगा सुखाने में, थोड़ा सूख जाएगा तो और भी ज़बरदस्त लगेगा ये। देखिए थोड़ा सा बचा है दोस्तों, फिलहाल हमारा खाना तो बन चुका है फिलहाल हम सब्जी। ये देखिए थोड़ा सा वो पका लेते हैं और उसके बाद ही हमारा ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा चख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए थोड़ा गर्म था दोस्तों तो फूक ले, तो अच्छा लगा दोस्तों। नेक्स्ट ब्लॉक लाते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।